नमस्ते। तो ये चक्रपाणी वेबिनार सीरीज का पहले वाला है। ये इसमें हम त्रिदोष के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। त्रिदोष आप सबको जानते हैं कि आयुर्वेद का मेन है, मतलब इसका बेसिक कंसेप्ट है त्रिदोषा। तो त्रिदोष के बारे में वी कैन डिस्कस। उसमें इसका बेसिक आइडिया मैं एक बार दे देता हूँ, फिर हमको चर्चा करेंगे। लेकिन आपका क्वेश्चंस मुझे आप टाइप कर सकते हैं, मैं उस वो पढ़ के आपका प्रश्नों का उत्तर दे दे। सबको सुन रहे हैं ना? कैन यू हियर मी प्रॉपरली? यस। सबको सुन रहे होगा तो वी कैन स्टार्ट। ओके, थैंक यू। सो ओके जी, ओके ललित जी या गायत्री जी, थैंक यू, थैंक यू। तो हम शुरू करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल त्रिदोषा, तो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट त्रिदोषा। तो सबको जानते हैं कि आयुर्वेद इज द एंशियंट नॉन मेडिकल साइंस विच डेवलप एज द एविडेंस बेस्ड मेडिकल साइंस इन द प्रेजेंट एरा। मतलब ये पुराने चीज है, मतलब सालों से, लाइक सेंचुरीज बैक आयुर्वेद के बारे में लिखा हुआ है। संस्कृत में काफी सारे बुक्स वगैरह, किताबें, वो सब लिखे हुए हैं। तो उसका एविडेंसेस भी आज भी इसके ऊपर रिसर्चेस चल रहे हैं, एंड मेनी मेनी थीसिस वर्क हैज बीन डन। ये सब जो जो लिखा हुआ है उसके बारे क्लिनिकल ट्रायल्स, ऐसे काफी सारे चीज आयुर्वेद के ऊपर चल रहा है। तो इट्स इसलिए बोल रहे कि इट्स एन एविडेंस बेस्ड साइंस। मतलब इसके जो बोल रखा है, मतलब आयुर्वेद में ये डिसीज के लिए, बीमारी के लिए ऐसा पर्टिकुलर दवाई है, ये सब बोल रखा है, तो इसके लिए प्रॉपर एविडेंसेस आर अवेलेबल। और एविडेंसेस तो अभी भी रिसर्च वगैरह चल रहे। तो दिस इज एंशियंट नॉन मेडिकल्स, एंशियंट नॉन मेडिकल आयुर्वेदा put for the tridosha siddhanta. Tridosha siddhanta means ayurveda basically iska basic thing hai tridosha. So iska siddhant ke upar sab kuch bol rakha hai. So dosha or three doshas can be defined as the fundamental energies jo iska basic principle hai, or is the fundamental energies which govern the function of our bodies. Matlab hamara body ka pura functions, different functions, फिजिकल, मेंटल, ये पूरा फंक्शंस और ये कर रहे हैं, ये त्रिदोष, ये तीन दोषों के दोषों से कर रहे हैं। मतलब दैट बेसिस ऑफ द फिजियोलॉजिकल एंड मेंटल फंक्शंस इज त्रिदोष। ठीक है, तो मैं एक बार आपको पहले बोल देता हूँ, थोड़ा जानकारी दे देता हूँ, देन वी विल डिस्कस, एक बार डिस्कस करेंगे देन। So, त्रिदोषा मैंने बोला, देर आर थ्री दोषा। वॉट इज इट मेड ऑफ, मतलब ये कैसे, किस चीज से बना हुआ है ये त्रिदोष? त्रिदोष बोलते हैं वो क्या है, उसके वो कैसे बनता है, वो एक बार देख लेंगे। आवर एंशियंट गुरुस, मतलब हमारे आचार्य हैं, मतलब चरक है, सुश्रुत है, वाक्पटा, सो ऐसे लाइक मेनी आर देर। तो ये गुरुस कीनली ऑब्जर्व द यूनिवर्स, मतलब हमारा नेचर, यूनिवर्स को प्रॉपरली ऑब्जर्व किया, एंड दे कंसिडर, दे अप्लाई दैट, वो हमारा बॉडी के ऊपर उसका एक बार तारतम्य किया। सो इसको ये नेचर के या यूनिवर्स के हिसाब से देख लिया उन्होंने। सो दे बिलीव, मतलब ये आचार्य या गुरुस बिलीव दैट देयर इज एन इंटीमेट रिलेशन बिटवीन बॉडी एंड यूनिवर्स। हमारा बॉडी और हमारा यूनिवर्स का एक इंटीमेट रिलेशन है, मतलब एक गहरी रिलेशन है। सो इट इज एक्सप्लेन दैट होल वर्ल्ड इंक्लूडिंग आवर बॉडी, सो द होल यूनिवर्स, हमारा सकल ऑल द लिविंग बींग्स आर मेड अप ऑफ ए यूनिवर्स का मटीरियल्स, दे आर पंच महाभूत। सो आप लोग सुना होगा ये पंच महाभूत के बारे में। सो हमारा बॉडी, ये किसी जानवर या ऑल ओवर द यूनिवर्स,
ये पूरा पंच महाभौतिक है, मतलब ये पंच महाभूता से बना हुआ है। वैसे हमारा त्रिदोष, द त्रिदोषास, वो भी ये पंच महाभूता से बना हुआ है। दिस पंच महाभूतास आर प्रेजेंट इन अवर बॉडी इन देयर सबटल फॉर्म। सबटल फॉर्म मतलब वेरी माइन्यूट फॉर्म, उसको संस्कृत में तन्मात्रा बोलते हैं। तन्मात्रा मतलब एक छोटा सा पोर्शन, मतलब हमारा ये बैक्टीरिया जैसे या कुछ जो परमाणु बोल सकते हैं, तो अणु, तो वेरी वेरी माइन्यूट नेचर। ये पंचमहाभूत हमारे बॉडी में ऐसे थोड़ा छोटा छोटा अणुओं के बना हुआ दो बना बना के एक फाइनली दोष बनता है, मतलब त्रिदोष बनता है। सो दिस पंचमहाभूत, फाइव महाभूतास और पांच महाभूते हमारा त्रिदोष को बनाते हैं। वो कैसे? हमारा पांच महाभूत है आकाश, वायु, अग्नि या तेज, जला और अब पृथ्वी। सो आकाश मतलब स्काई और वायु, देन अग्नि और तेजस, देन जला और अब महाभूत और पृथ्वी। सो दिस फाइव, ये फाइव महाभूतास आर प्रेजेंट इन अवर बॉडी। कैसे? ऐसा तन्मात्रा और माइन्यूट फॉर्म, एकदम छोटा फॉर्मेट में दे आर प्रेजेंट। सो दे कंबाइंड और दे मेड अ प्रोपोर्शन, ये जोड़ जोड़ के ये फाइनली त्रिदोष बनता है, मतलब वाता पित्ता कफा। सो देर आर त्रिदोषा, इसमें वात आकाश और वायु महाभूत से बना हुआ है, पित्त तेजस और जला, दैट मीन्स अग्नि एंड पानी, मतलब जला, ये दो महाभूत का सम्मेलन है पित्त दोषा। देन कफ दोषा इज द यूनियन ऑफ जला एंड पृथ्वी, जला एंड पृथ्वी। सो दीज आर द प्रोपोर्शन, डिफरेंट प्रोपोर्शन ऑफ द महाभूत, मतलब तन्मात्रा। तन्मात्रा मैंने बोला कि इन केस ऑफ वात दोषा आकाश तन्मात्रा एंड वायु तन्मात्रा सम्मिलित होके वात दोष को बनाते हैं। वैसे तेज तन्मात्रा और जल तन्मात्रा कंबाइन टू फॉर्म पित्त दोषा, जल एंड पृथ्वी टू कफा। सो तन्मात्रा मतलब सबटिल क्वांटम ऑफ महाभूत। सो ये महाभूत का पूरा नेचर और पूरा गुण ये तन्मात्रा में भी मिल सकते हैं। सो इट्स अ क्वांटम ऑफ द महाभूत, देन कॉन्जुगेटेड फॉर्म्स ऑफ तन्मात्रा क्रिएट्स दोष, दैट मींस ये सब सम्मिलित होके, मतलब एक आकाश का थोड़ा परमाणु होगा, ये सब मिक्स होके वायु के, वायु तन्मात्रा से मिक्स होके बात बनाता है। वैसे दे आर कंबाइंड इन डिफरेंट प्रोपोर्शन। सो डिफरेंट प्रोपोर्शन मतलब इसका मात्रा अलग अलग होगा, मतलब पित्त में आप देखने से पित्त में जला है, मतलब पानी तन्मात्रा है, कफा उसमें भी जल का तन्मात्रा है, तो इसका मतलब दे आर प्रेजेंट इन बोथ बट इन डिफरेंट प्रोपोर्शन, इसका मात्रा और इसका क्वांटिटी अलग अलग होगा। सो पंचमहाभूत आर फाइव इन नंबर, दीज फाइव पंचमहाभूत अलग अलग मात्राओं से सम्मिलित होके त्रिदोष बनाते हैं, दे आर वाता पित्ता एंड कफा। ठीक है, सो देर आर थ्री दोषास। सो हम हमारा यूनिवर्स, मैंने बोला था कि हमारा आचार्यों ने, हमारे गुरु ने पूरा यूनिवर्स देके उसके हिसाब से हमारा बॉडी को कंपेयर कर देते हैं। तो इन केस यूनिवर्स का सन, मून एंड विंड, उसको हम मतलब ये लाइक ए कंपैरिजन है, उसका वो देके उसके हिसाब से कंपेयर कर रहे हैं हमारा बॉडी को भी। सो सूर्य के हिसाब से लाइक पित्ता इज मेनली अ हीट फैक्टर, वो हमारा बॉडी का मेटाबॉलिज्म, डाइजेशन और गर्मी, ये सब गर्म चीज, ये सब पित्त के रिलेटेड है। तो यूनिवर्स में देखने से वो हमारा सन का, सूर्य का, सूरज का तेज गर्मी रहता है, वैसे पित्त भी हमारा बॉडी में हीट जनरेट करते हैं। सो सन इज द यूनिवर्सल एंटीडोट ऑफ द पित्ता। वैसे यूनिवर्स में मून है, सो मून का कफ है, कफ इज लाइक अ कोल्ड वाटर, मून
चांद रात को हमको थोड़ा सा लाइक शीत मतलब थोड़ा सा ठंडे ठंडे फीलिंग लाइक कोल्ड एटमोसफियर देते हैं, वैसे कफ भी मून जैसा है, लाइक अ कोल्ड नेचर है हमारे बॉडी में देखने से, लाइक ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी हमारा जो बढ़ता है मतलब बचपन से वो सब ग्रोथ और इसका बॉडी का स्टेबिलिटी मतलब मसल्स और द फ्रेमवर्क द फैट और द बोन्स ये सब स्टेबिलिटी और स्ट्रक्चर देता है बॉडी को, कफ का फंक्शन है। और विंड विंड लाइक वात का है, तो कंट्रोलिंग फैक्टर लाइक कंट्रोलिंग फैक्टर मतलब ये वात बाकी सब को कंट्रोल करते हैं, मतलब ये विंड कंट्रोल्स एवरीथिंग। सो इस दौरान में हम नर्वस सिस्टम को कंपेयर कर सकते हैं वात को, तो वात वात दोष कैन बी कंपेयर टू द नर्वस सिस्टम। दिस इज अ ग्रोस आइडिया, सो वी विल गो डीपर, और आगे वाले स्लाइड्स में मैं डीपली बात क्या बॉडी में क्या करता है, बॉडी का फंक्शन क्या क्या देते हैं, से वो सब एक्सप्लेन कर देता हूँ। सो दिस इज लाइक अ यूनिवर्स का देके उसका एक आइडिया दे रहा है लाइक बॉडी हमारा बॉडी में कैसे काम करता है। ओके देन रोल ऑफ दोषा, सो लेट्स सी रोल ऑफ दोषा, ये दोषा हमारा बॉडी में क्या क्या करता है और उसका फंक्शंस, इसका कर्म क्या क्या होता है, कर्म ऑफ दोषास दे आर लाइक त्रिदोष रेगुलेट्स एवरी फिजियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल प्रोसेस इन द लिविंग बीइंग, मतलब हमारा बॉडी का फिजियोलॉजी मतलब सब सिस्टम लाइक रेस्पिरेटरी सिस्टम डाइजेस्टिव सिस्टम नर्वस सिस्टम लाइक देयर आर डिफरेंट फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ आवर बॉडी, उसका एक फीलिंग एक फंक्शन मेनली त्रिदोषा का है। सो देर आर फिजियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल मतलब हमारा माइंड माइंड का एनर्जेटिक हमारा माइंड थोड़ा डल फीलिंग ये सब दोषा का नॉर्मलसी और अबनॉर्मलसी के हिसाब से रहता है। तो त्रिदोषा रेगुलेट एवरी फिजियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल प्रोसेस इन द बॉडी, द इंटरप्ले अमंग दम डिटरमाइंस द क्वालिटीज एंड कंडीशन ऑफ द इंडिविजुअल, मतलब इसका इंटरप्ले मतलब इसका ऊपर नीचे का वो मात्रा हमारा एक इंडिविजुअल का क्वालिटी एंड कंडीशन डिटरमिन करता है, मतलब किसी को पित्त बढ़ा है सो उसका बॉडी में गर्मी रहता है, वो पित्त प्रकृति पीपल को लाइक थोड़ा सा गुस्से होने के बाद लाइक शॉर्ट टेम्पर या जल्दी से गुस्सा आ जाता है। सो ये एक इसका ये बात पित्त कफ का इम्बैलेंस या इसका मात्रा का अप एंड डाउन, सो ये इंटरप्ले को बोल सकते हैं, मतलब फॉर एग्जाम्पल कफा पीपल वो कफा प्रकृति पेशेंट थोड़ा सा काम एंड क्वाइट है, ये सब लाइक ये वात पित्त कफ का डिफरेंट लेवल्स को ऊपर डिपेंड होता है। सो इंटरप्ले अमंग द त्रिदोष डिटरमाइन द क्वालिटी एंड कंडीशन ऑफ द इंडिविजुअल, किसी का कंडीशन या क्वालिटी उसका गुण या उसका नेचर उसका एटीट्यूड ये सब एक का आदमी का त्रिदोष का बैलेंस है, त्रिदोष लेवल के ऊपर डिपेंडेंट है। सो आयुर्वेद में ऐसे बोलते हैं कि बैलेंस स्टेट और हार्मोनी स्टेट ऑफ दिस थ्री दोषास क्रिएट बैलेंस एंड मेंटेनेंस ऑफ हेल्थ, आयुर्वेद में ऐसे बोलते हैं कि दोष साम्यम अरोगता, मतलब रोग ये कोई किसी ने बीमारी नहीं होता है वो कब नहीं होता है, जब ये त्रय दोष बैलेंस स्टेट में होता है, ये समत्व समा अवस्था में ये बोल सकता है कि जो वो हेल्थी है। सो इल हेल्थ और किसी बीमारी जब होता है तब ये वाता पित्ता एंड कफा आर इन एन इम्बैलेंस्ड स्टेट, एन इम्बैलेंस बाय विच माइट एन एक्सेस और डेफिशिएंसी ऑफ अ डिसीज, मतलब ऐसे इम्बैलेंस मैंने बोला मतलब वात का इम्बैलेंस से ये हो सकते हैं, पित्त का इम्बैलेंस से किसी को बीमारी बोल सकते हैं, तो वो इम्बैलेंस है ना वी कैन कंसिडर एज टू, मतलब एक तो ज्यादा हो गया एक तो कम हो गया, मतलब बात ज्यादा होने से भी मतलब एक का बैलेंस होना चाहिए, ये बात पित्त कफ का बैलेंस को हम हेल्थ बोलते हैं, हेल्थ मतलब
जो हमारा एनर्जी मतलब प्रॉपर एनर्जी है, प्रॉपर मेटाबॉलिज्म है, द हेल्थी स्टेट, स्वास्थ्य स्वास्थ्य कंडीशन, स्वास्थ्य कंडीशन को हमको हेल्थ बोल सकते हैं। सो अस्वास्थ्य या बीमारी वो कंडीशन है जब ये वात पित्त कफा बैलेंस में नहीं है। बैलेंस में नहीं है मतलब ये बढ़ भी सकते हैं, मतलब ज्यादा भी हो सकते या कम भी हो सकते, तो इसको हम बीमारी कंडीशन बोलते हैं या अस्वास्थ्य कंडीशन बोलते हैं। तो क्या है वो रोल ऑफ त्रिदोषास क्या है? सो इट मेंटेन्स अवर फिजियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल प्रोसेस। ये फिजियोलॉजिकल क्या है, साइकोलॉजिकल क्या है, हम और देखेंगे आगे स्लाइड्स में। इससे पहले मुझे आपको बोलना चाहिए कि गुणा ऑफ त्रिदोष, मतलब एक-एक त्रिदोष का क्वालिटीज, उसका क्वालिटीज भी रहता है। तो वात दोष का क्या-क्या क्वालिटीज है, मतलब हम वात, तो वात बढ़ गया नहीं तो पित्त बढ़ गया, वो कैसे बढ़ता है, इसी चीज का इनटेक हम उसी हिसाब उसका लाइफस्टाइल, खाना पीना उसके हिसाब से करने से उसका वात बढ़ता है या पित्त बढ़ता है, कफा बढ़ता है बोल सकते हैं। सो क्या क्या है वो प्रॉपर्टीज ऑफ वाता? रूक्ष शीत लघु सूक्ष्म चल विषत खरा, दैट मीन्स रूक्ष मतलब ड्राई, सूखा सूखा चीज। सो या ड्राई चीज मतलब कुछ भी सूखी सूखा चीज को खाने से या लेने से, या वो फॉर एग्जाम्पल ड्राई विंड, उससे वात बढ़ता है। शीत कोल्ड ठंडे चीज से वात, वात का एक क्वालिटी है ये शीत। देन लघु, लघु मीन्स लाइटनेस। देन सूक्ष्म, सूक्ष्म मीन्स माइन्यूट, दैट इज द नेचर ऑफ वाता, वाता का नेचर है कि ये सूक्ष्म है। चला, चला मीन्स मूवेबल, चल सकते हैं मतलब लाइक इट कैन मूव। देन विशदा, विशदा मीन्स क्लियर। खरा, खरा मीन्स रफ, तो रफनेस बॉडी में बोल सकते हैं कि रफनेस हो गया, तो वो का मतलब है कि लाइक वात बढ़ गया। सो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ वाता, दैट मीन्स रूक्ष शीत लघु सूक्ष्म चला विशदा एंड खरा। सो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ वाता। सो पित्ता, पित्ता का प्रॉपर्टीज क्या है? सस्नेह, सस्नेह मतलब अंक्चसनेस, अंक्चसनेस मतलब हल्का सा ऑयली ऑयली, चिकना चिकना ऐसे बोल सकते हैं। देन उष्ण हॉट गरम, तीक्ष्ण मीन्स शार्प इन नेचर, द्रवा मीन्स लिक्विड, देन अम्ला मीन्स सवर्नस मतलब खट्टी चीज बोल सकते हैं। देन सरम मोबाइल मतलब ए बी मूव 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 कर सकते हैं, मतलब क्योंकि आप ड्यू टू लिक्विड के मतलब जो दो पंच महाभूत पित्त बनाते हैं वो है जल और अग्नि, मतलब वाटर एंड फायर। सो दिस प्रॉपर्टी ऑफ वाटर कॉज गिविंग इट अ सरा। सो ये जल महाभूत का एक प्रॉपर्टी रहता है पित्त में, इसलिए वी कैन से पित्ता कैन मूव। देन कटु, कटु मीन्स द पंचंज, तो दिस इज द प्रॉपर्टीज ऑफ पित्ता। देन प्रॉपर्टीज ऑफ कफा, से कफा आप ऐसे नहीं समझने के लिए आप बोलते हैं लाइक काफी लोग बोलते हैं हमने मुझे कफ जमता है, सो ये इट इज अ इट्स ओनली अ पोर्शन ऑफ कफ का एक रूप है वो, बट जो कफ दोष है इधर मैं बोलता हूँ वो हमारा पूरा बॉडी में है, इसका पूरा बॉडी का अलग अलग सिस्टम में अलग अलग फंक्शंस रहता है। सो इस कफा के प्रॉपर्टीज क्या है, कफा दोषा का प्रॉपर्टीज क्या है? वो हैवी है, देन शीत, देन कोल्ड होता है, मृदु सॉफ्ट रहता है, देन स्निग्धा, स्निग्धा वापस ऑयली ऑयली होता है, मधुरा स्वीट इन नेचर होता है, पिछला विस्कस मतलब अनईजी टू मूव, आप शहद हनी देखने से वो थोड़ा नॉर्मल पानी जैसा नहीं चलता है ना, तो वो कंडीशन को विस्कस बोलते हैं, पिछल पिछला अवस्था बोलते हैं। सो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ थ्री दोषास। देन सॉरी कर्मा ऑफ त्रिदोषा, सो कर्मा, सो मेनली मैं इधर वात पित्त कफ का अलग अलग फंक्शंस एक्सप्लेन करता हूँ। वाता इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ऑल मूवमेंट्स इन द बॉडी एंड इनिशिएटिंग एंड कंट्रोलिंग फैक्टर, वो हमारा बॉडी का डिफरेंट फंक्शंस मूवमेंट का जो
जो जो क्या क्या चलता है, लाइक हम श्वसन करता है तो इनहेलिंग, वो वात का फंक्शन से वो सब मैं आगे बोल देता हूँ। देन पित्ता परफॉर्म द एक्टिविटीज लाइक डाइजेशन, मेटाबॉलिज्म, प्रोडक्शन ऑफ हीट, हमारा बॉडी का होम्योस्टेसिस, मतलब वो टेम्परेचर अप एंड डाउन करते हैं, वो सब पित्त का फंक्शन है। कफा परफॉर्म्स द फंक्शन लाइक प्रोटेक्शन, स्ट्रेंथ, स्टेबिलिटी, मतलब हमारा बॉडी का स्ट्रेंथ और मसल्स का स्ट्रेंथ और मसल्स का ग्रोथ, ये सब जॉइंट्स का स्ट्रेंथ, वो सब कफा का फंक्शन है। इन ग्रोस लेवल वाता गुणा इज अपोजिट टू कफ गुणा, मतलब वाता एंड कफा हम ऐसे बोल सकते हैं लाइक एकदम अपोजिट है। तो फॉर एग्जाम्पल वाता ड्राई होता है, कफा ऑयली होता है, बट दोनों में एक चीज सेम है, वो तो वो है शीता, मतलब ठंडी, ठंड से वात और कफ बढ़ता है, अदरवाइज कफा एंड वाता आर ऑपोजिट। सो वाता इज द प्राइम कॉज फॉर मूवमेंट ऑफ पित्ता एंड कफा, दैट मीन्स वाता इट कैन मूव, मतलब कफा और पित्ता को मतलब मूव नहीं कर सकते, मतलब दे कैन नॉट मूव, वो नहीं चल सकते। सो वात ये दोनों को लेके जाता है फॉर द प्रॉपर इस मतलब पित्त का काम के लिए, कफ का फंक्शन, कर्मा के लिए, सब वात का मदद से चलता है। देन हम अभी और डीप जाएंगे, वात का फंक्शंस क्या है, लाइक हमारा बॉडी का सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, नर्वस स्टिमुलेशन, रिफ्लेक्स, रेस्पिरेशन, मतलब उच्छ्वास, देन हम मैं अभी बात कर रहा हूँ, मेरा साउंड भी ये वात के वजह से आ रहा है। हेल्प टू एक्सक्रीट यूरिन, फीसेस, स्पर्म, ओवम, स्वेट, फीटस, ये सब, ये मूवमेंट, सबका मूवमेंट वात के वजह से होता है। इनिशिएट एंड कंट्रोल सेंस ऑर्गन्स, हमारे सेंस ऑर्गन्स, हमारा आंखें, मतलब ये मैं कुछ देख रहा हूँ हमारा ब्रेन, मेरा ब्रेन में पहुंच रहे, मैं कुछ सुन रहा हूँ मेरा ब्रेन में पहुंच रहे, तो ये सब लाइक वात का फंक्शन है। गवर्न्स द माइंड, माइंड का फंक्शन कर रहा है, क्या क्या फंक्शंस, लाइक वाता इमोशंस लाइक नर्वसनेस, हम जो थोड़ा एंग्जाइटी ज्यादा हो रहा है या घबराहट, नहीं तो स्ट्रेस, टेंशन, मतलब ये सब वात का पेन, डिफरेंट पेन, हमारा बॉडी का डिफरेंट पेन, ये सब दर्द वगैरह, ट्रमर मतलब शिवरिंग, ये सब वात के वजह से होता है। सो दीज आर द डिफरेंट एक्शंस और फंक्शंस ऑफ वाता इन आवर बॉडी। देन पित्ता, पित्ता मैंने बोल दिया डाइजेशन है, मतलब प्रॉपर मेटाबॉलिज्म, ये हमारा अग्नि जैसा है। सो अग्नि का क्या है, वो बर्न करता है, मतलब वो दहन क्रिया करता है, सो पचन क्रिया करता है। सो पित्ता इज द मेन थिंग विच गिव्स द अब्सॉर्प्शन, असिमिलेशन एंड न्यूट्रिशन। सो जो जो हम खाते हैं वो पित्त के वजह से, मतलब डाइजेस्टिव फायर के वजह से डाइजेशन हो रहा है। सो बॉडी टेम्परेचर, मतलब मैं बोला बॉडी टेम्परेचर, उसको होम्योस्टेसिस बोलता है। स्किन कॉम्प्लेशन, हमारा स्किन का कलर, या किसी को पित्त का प्रॉब्लम है तो बोल सकते हैं कि उसका स्किन डल दिखता है, मतलब फेस में या बॉडी में इतना ग्लो नहीं रहता है, तो स्किन कॉम्प्लेशन इज फंक्शन ऑफ पित्ता। विजन, हम देख सकते हैं आंखों में पित्त रहता है, तो मतलब इसलिए आंख का कुछ प्रॉब्लम है, हम पित्त कम करने का चीज खाना है या दवाई लेना है। देन साइकोलॉजिकली इट गवर्न्स द इंटेलिजेंस एंड अंडरस्टैंडिंग, सो थोड़ा ज्यादा दिमाग वाले मतलब, या पित्त बोल सकते हैं, या पित्त का मेन फंक्शन है, मतलब वन ऑफ द फंक्शन इज लाइक इंटेलिजेंस। देन माइंड में पित्त का एक्शंस भी है, लाइक हैप्पीनेस, एंगर, गुस्सा, हेट, जेलसी, ब्रेवरी, विल पावर, ये सब पित्त का साइकोलॉजिकल फंक्शंस और एक्शंस है। देन फंक्शंस ऑफ कफा इन अवर बॉडी, कफा का क्या क्या कर्म है। लुब्रिकेट्स द जॉइंट, हम अभी ये जॉइंट है, जॉइंट ऐसे मूव करते हैं, बट ऐसे मतलब उधर साइनोवियल फ्लूइड है, जॉइंट के बीच में एक पानी जैसा और या लिक्विड जैसा और ये पेस्ट जैसा थिंग है, वो साइनोवियल फ्लूइड बोलते हैं मॉडर्न साइंस में। तो आयुर्वेद में वी कैन से कफा जॉइंट्स में है, इसलिए ये प्रॉपरली मूव कर सकते हैं। सो प्रोवाइड मॉइस्चर टू द स्किन, हमारे स्किन का मॉइस्चर के लिए, मतलब ये कफा इज मेड ऑफ जल महाबूदा, जल महाबूदा से बना हुआ है, सो हमारा बॉडी का मॉइस्चरनेस, पानी का कुछ भी अंश हो वो पित्त के, सॉरी कफ के वजह से है। स्ट्रेंथ, विगर एंड स्टेबिलिटी, हमारा बॉडी का ताकत
इम्यूनिटी, मेमोरी रिटेंशन, जो मेमोरी, गुड मेमोरी पावर है, वो सब कफा का फंक्शन है। सेक्सुअल पोटेंसी, कफा इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इमोशन ऑफ अटैचमेंट। मैं बोला देखिए, किसी को ज्यादा अटैचमेंट हो, सो वो अटैचमेंट का मेन फंक्शन इज बाय कफा। तो ऐसे बोल सकता है लाइक पेस्ट जैसा है, तो ये स्टिकी स्टिकी बोलते हैं ना कफा, सो ये अटैच हो जाता है। सो माइंडली भी ये अटैचमेंट फंक्शन इज बिकॉज ऑफ कफा। इट ऑल्सो एक्सप्रेस द टेंडेंसी टुवर्ड्स कामनेस, फॉरगिवनेस एंड लव। तो कफा जैसा या वात, सॉरी वात जैसा या पित्त जैसा ज्यादा लाइक हाइपर और ज्यादा एक्टिव वाला नहीं, एक्टिव इन द सेंस दे आर वेरी काम, कफा वाला ज्यादा काम एंड पीसफुल होता है। अभी मैं बोलता हूँ कि सीट्स ऑफ त्रिदोषा, ये त्रिदोषा कहाँ कहाँ रहता है, मतलब ऑल ओवर द बॉडी है बट फिर भी ये ज्यादा कहाँ रहता है। सो वाता इज इन कॉलोन, मतलब आंत में, ब्लैडर, पेल्विस, मतलब हमारा ये नीचे का रीजन, बोन्स और अस्थि में, अस्थि के अंदर बोल सकते हैं, स्किन एंड ईयर्स, दिस आर द सीट्स और जो वात वात दोषा का मेन एरिया है। देन पित्ता बोला कि ये डाइजेशन है, डाइजेशन के लिए मदद करता है, तो इसलिए इट प्रेजेंट इन स्टोमक, हमारा स्टोमक में, इंटेस्टाइन में मेनली स्मॉल इंटेस्टाइन। देन प्लाज्मा, ब्लड, ब्लड और पित्त have a relation, like they are connected. Sweat, हमारा पसीना, then skin, eyes, ये सब पित्त का एरिया है और इधर पित्त रहता है। कफा लाइक थोरैक्स ऊपर, तो ऐसे बोल सकते हैं कि हम इधर से मतलब फ्रॉम चेस्ट टू हेड ये कफ का एरिया है, बिलो इधर नाभि तक पित्त का एरिया है, नाभि के नीचे वात का एरिया है। लाइक इस चित्र में आपको देख सकते हैं कि वाता स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन में है, पित्ता इज प्रेजेंट इन लिवर, स्प्लीन, गॉल ब्लैडर, स्टोमक, डियोडिनम, पैनक्रियास, काफा इन साइनस एरिया, नोस्टल एरिया, थ्रोट, ब्रोंकाई, हमारा लंग्स, ये सब कफ का एरिया है। सो दीज आर द अधिष्ठाना और द सीट और त्रिदोषा का जगह, मेन जगह बोल सकते हैं। ओके, सो दीज आर द सीट्स ऑफ त्रिदोषा। देन वेरिएशन ऑफ दोषा, मतलब दिन में ये दोषा ऊपर नीचे होते रहता है, लाइक कफ दोषा मॉर्निंग 6 to 10 AM, सो उसके हिसाब से हम हमारा डाइट, हमारा लाइक टाइम टेबल वगैरह सही करने से वो हमारा हेल्थ के लिए अच्छा है। 6 to 10 कफा है, सो इसलिए लाइट ब्रेकफास्ट लेना चाहिए। देन 10 to 2, मतलब पित्त ज्यादा है, हमारा अग्नि भी स्ट्रॉन्ग होता है, तो उस समय हम खाने से लाइक प्रॉपर खाना लेने से इट विल बी डाइजेस्ट प्रॉपरली, पचन हो सकता है। सो 10 to 2 पित्ता का टाइम है, 2 to 6 इज लाइक वात का टाइम है, तो उसमें हम ज्यादा लाइक एक्सरसाइज वगैरह कर सकते हैं। देन 6 to 10 शाम को 6 बजे से रात को 10 बजे तक वापस कफ हो जाता है, तो उस टाइम कफ का टाइम ज्यादा, अग्नि ज्यादा नहीं है, तो हम लाइट डिनर लेना चाहिए। देन 10 to 2 इज लाइक ए प्रॉपर स्लीप, उस समय नींद गहरी होता है। देन 2 to 6 इट्स लाइक ए वाता, अगेन हम सुबह उठता है लाइक ड्रीम्स, सुबह का मतलब लाइक फास्ट मूविंग ड्रीम्स, ज्यादा ड्रीम्स देखता है, वो सब दिन में अकॉर्डिंग टू द टाइम, मतलब फिजियोलॉजी के टाइम, मतलब दिन में हमारा बॉडी का वात पित्त का अप एंड डाउन बोलते हैं। तो नेक्स्ट, एज पर एज, अभी जो मैंने बोला वो दिन का टाइम के हिसाब से, अभी एज के हिसाब से भी वात पित्त का ऊपर नीचे होते हैं, मतलब बचपन से लाइक बर्थ से 16 लाइक टीनेजर्स, पूरा टीनेज तक, नहीं तो अंटिल बिगिनिंग ऑफ टीनेजर्स से बोल सकते हैं, तब कफ होता है। That means birth to 16 years, 16 to 15 years, 50, 50 तक, 16 से 50 तक, नहीं तो teenage से 50 तक, it's like pitta. Vata is above 50, इसलिए like vata का old age people को इसलिए ज्यादा joint pain रहता है, नींद पूरी नहीं, मतलब नींद नहीं मिलता है properly, नहीं तो insomnia, मतलब constipation, कब्ज जैसा होता है, proper bowel movement नहीं होता, ये सब वात का कारण है। सो जनरली सबको वात
ज्यादा होता है एट द एज अबव 50 ईयर्स. पित्त में 16 टू 50 में पित्त का टाइम है. देन कफा का 16 टू बर्थ से 16 तक होता है. देन सीजन, सीजन के हिसाब से वात पित्त कफा का अप एंड डाउन बोल सकते हैं. तो वात समर मतलब गर्मी का टाइम में वात थोड़ा सा बढ़ता है और वो ज्यादा रेनी में होता है, लाइक ऑटम में कम होता है. सो हमारा सीजन के हिसाब से, फॉर एग्जाम्पल रेनी सीजन, अभी तो रेनी सीजन है, तो रेनी सीजन का डाइट और वो ए क्या क्या लाइफ स्टाइल चेंजेस, क्या क्या खा सकते हैं, क्या क्या नहीं करना, वो सब हम अगले एक वेबिनार में आ रहे हैं, लाइक वर्षा ऋतु मतलब रेनी सीजन का लाइफ स्टाइल एंड फूड वगैरह, तो उसमें आपको ज्यादा जानकारी मिलेगा. तो अभी लाइक वात पित्त कफ का एग्रेवेशन कब ज्यादा होता है, रेनी सीजन में पित्त का ज्यादा रहता है, विंटर मतलब सर्दी में कफ मतलब जो ज्यादा ठंड रहता है तो कफ ज्यादा होता है, एंड स्प्रिंग और बीच में नेक्स्ट विंटर मतलब लेट विंटर स्टेज में कफ ज्यादा होता है. तो दिस आर द सीजन वाइज वात पित्त कफ का अप एंड डाउन मतलब उसका बैलेंस वगैरह होता है. तो मैंने पहले बोला कि ए इम्बैलेंस, ये नॉर्मल एक लेवल रहता है सबका बॉडी में वात पित्त का. तो कुछ जब ए हेल्थ ये बैलेंस सही रहता है तब वी कैन से वी आर स्वस्थ है, मतलब वी आर हेल्थी. ये ऊपर नीचे ज्यादा मतलब वृद्धि या क्षय मतलब कम होने से इसको हम व्याधि या बीमारी या डिसीज बोल सकते हैं. फिर हम क्या करते हैं, हमारा लाइफस्टाइल, हमारा खाना या कुछ दवाई से इसको वापस बैलेंस में लेके आते हैं. कुछ इस ज्यादा हो गया, पित्त बढ़ गया तो पित्त का ऑपोजिट का फूड ये सब हम खाना है, नहीं तो दवाई लेना है और उसको बैलेंस में लेके आते हैं. वैसे काफा कम हो गया तो हमारा इम्यूनिटी कम होता है या हमारा बॉडी में लाइक लूज जॉइंट वगैरह लूज हो जाता है या ताकत नहीं होता, तो हम जो नीचे है कफ उसको खाना नहीं तो दवाई या हमारा एक्सरसाइज से वो ऊपर लेके आते हैं. तो ये बैलेंस होता है, ये बैलेंस स्टेज को हम स्वास्थ्य बोलता है और इसका इम्बैलेंस स्टेज को हम अरोगता रोगा व्याधि या बीमारी बोलता है. ओके, तो अभी मैंने थोड़ा सा एक आइडिया दिया भी, आपको कुछ कन्फ्यूशन्स थोड़ा डाउट या कुछ पूछना चाहे तो मैं उसका जवाब दे देता हूँ. देन आपको टाइप कर सकते हैं लाइक क्या क्या है आपका डाउट वगैरह वो मुझे पूछ लीजिए, देन वी कैन डिस्कस. आपका कुछ डाउट है तो टाइप कर दीजिए, मैं उसके हिसाब से आपको एक्सप्लेन कर दे. जो अभी मैंने जो बोला तो ये लाइक नॉर्मल एक आइडिया था, बात क्या है, पित्त क्या है. अभी हमारा नेक्स्ट वेबिनार है उसमें प्रकृति के हिसाब से हम क्लास देते हैं. हाँ, डाइट फॉर वाता. सो डाइट फॉर वाता में मेनली वो एक लंबे चीज है, लाइक आपका डाइट आपका प्रकृति के हिसाब से वात का डाइट बोल सकता है कि ज्यादा भूखी नहीं रहना है, प्रॉपर टाइम पे खाना है, ज्यादा ऑयली फूड लेना है मतलब नॉर्मल घी वगैरह आपका डाइट में लेना है वात कम करने के लिए, गुनगुना पानी पी सकता है, प्रॉपर टाइम मेंटेन करना है क्या क्या खाना है वो प्रॉपर टाइम मेंटेन करना है. Then how can we low pitta? Pitta कम करने के लिए आप खट्टे चीज, स्पाइसी चीज ये सब कम लेना है, ऑयली चीज मसाला ज्यादा मसाला मिर्ची ये सब कम करना है, और आप ज्यादा ज्यादा कोल्ड थिंग्स मतलब सैलड्स कोल्ड थिंग्स लेना है, और घी ले सकता है, घी लेने से भी लाइक पित्त थोड़ा कम होता है, छाछ वगैरह दही वगैरह ले सकते हैं,
मेन थिंग है कि पानी वाटर इनटेक सफिशिएंट करना है, उससे भी पित्त कम होता है. व्हाट इफ यू हैव ट्रेड्स ऑफ कफ एंड सम ऑफ वाता, कैन पीपल हैव डुअल दोषा? यस, सबका बॉडी में वात पित्त कफ त्रि दोषा है, बट इसका मेन लाइक प्रकृति बोलते हैं. सो वही मैं बोला, वो हमारे अगले अगले वेबिनार में प्रकृति के हिसाब से क्लास देता हूँ. उसमें है ना लाइक आयुर्वेद में सेवन प्रकृति बोलता है, लाइक वाता पित्त कफ, नहीं तो वाता पित्त कफ पित्त कफ वाता देन त्रिदोष. सो किसी को दो दोषा के हिसाब से भी प्रकृति होता है, तो उसके हिसाब से उसका डाइट, उसका लाइफस्टाइल सब कुछ मेंटेन करना है. सो इट इज वो होता है मतलब डुअल प्रकृति, मतलब वात पित्त कफ कफवाद और पित्तवाद का प्रकृति होता है. सो मतलब उसमें क्या है, किसी ने किसी को वात का ज्यादा होगा, किसी को फॉर एग्जाम्पल पर्सन किसी ने वात पित्त प्रकृति है, उसका कुछ एक्शंस वात डोमिनेंट होगा, कुछ एक्शन पित्त डोमिनेंट होगा, वैसे हमको देख सकते हैं. हाउ कैन वी चेक अवर बॉडी इम्बैलेंस? बॉडी इम्बैलेंस कैसे, मतलब बैलेंस मतलब बीमारी कुछ नहीं है, मतलब लॉन्ग टर्म डिजीज नहीं है. लॉन्ग टर्म डिजीज इन द सेंस किसी को खट्टी डकार आते हैं, नहीं तो एसिडिटी होता है. समटाइम्स हमारा फूड के हिसाब से थोड़ा ज्यादा मसाला चीज या ज्यादा स्पाइसी खा लिया तो नेक्स्ट डे होगा, तो दैट इज नॉर्मल. मतलब वो खाने के वजह से पित्त बढ़ गया, इसलिए एसिडिटी हुआ. बट आम ऐसे वाला चीज कुछ भी नहीं खाया, फिर भी ये रहता है कि 3 महीना 4 महीना या महीने तक, नहीं तो 2-3 हफ्ते के लिए एसिडिटी रहता है. सो देन हमको बोल सकते हैं कि इसको ये तो कुछ गड़बड़ है. मतलब हमको लॉन्ग टर्म किसी दिक्कत रहते तो उसको हम इम्बैलेंस बोल सकते हैं. लाइक अभी हम खाना खा रहे हैं, हम प्रॉपर लाइक टॉयलेट वगैरह जा रहे हैं, नींद प्रॉपर है, देन वी कैन से वो बैलेंस स्टेज में है. वाता कैन बी वाता और पित्ता और कफा, और वी कैन से हम हमारा बॉडी इज इन अ बैलेंस स्टेज, तो उसको बैलेंस स्टेज बोल सकते हैं. एंड दूसरा एक चीज, मतलब हमारा माइंड भी, आयुर्वेद हमेशा माइंड को भी एक इम्पोर्टेंस देता है. मतलब समदोष समाग्नि, आयुर्वेद का एक डेफिनेशन मैं बोल देता हूँ, समदोष समाग्निश्च समदादु मलक्रिया प्रसन्न आत्म इंद्रिय मनस. हम हमारा माइंड में प्रसन्न होता है, मतलब हमारा आत्मा हमारा सोल, व्हेन वी आर हैप्पी और व्हेन वी आर इन अ गुड पॉजिटिव वाइब, तभी हम बोल सकते हैं कि हम स्वास्थ्य है. सो ये सब नहीं है तो हमको बोल सकते हैं वी आर नॉट इन अ बैलेंस स्टेट. तो वो हेल्थी स्टेट ऐसे है कि खाली वात पित्त कफ, मतलब खाली फिजिकल थिंग्स, मतलब हमारा नींद, हमारा डाइजेशन, हमारा बाउल मूवमेंट, ये सब खाली ये सब नहीं होता है, हमारा माइंड भी स्वस्थ होना चाहिए, देन ओनली वी कैन से, तभी हम बोल सकते हैं कि हम संपूर्ण स्वस्थ है. तो वैसे इसी में कुछ गड़बड़ है तो वी कैन से हमारा बॉडी बैलेंस में नहीं है. तो महेंद्र जी पूछा कि इस तरह एनी रिपोर्ट विद वी कैन जज इफ द 3 आर इन अ बैलेंस्ड और नॉट. हाँ वही मैं बोला, तो लाइक ये अनदर थिंग, आप नेक्स्ट हमारा प्रकृति में आपको समझ में और डिटेल में आपको पता चलेगा कि आपका बैलेंस और मेरा बैलेंस वो नहीं, वो एक नहीं है. आपका प्रकृति के हिसाब से वात पित्त कफ का एक प्रोपोर्शन होता है, या मेरा वात पित्त कफ का एक प्रोपोर्शन होता है, वो मेरा बैलेंस है और आपका बैलेंस अलग है. एक फॉर एग्जाम्पल हमारा लाइक ब्लड रिपोर्ट, शुगर का बोलते हैं कि 150 के या 110 के ऊपर, 120 के ऊपर वो डायबिटिक है, नहीं तो HbA1c है वो 6 डायबिटिक बोलते हैं. वो एक फिक्स्ड रेट है, मतलब वो एक फिक्स्ड पैरामीटर है. वैसे वात पित्त कफ वो फिक्स नहीं है इंडिविजुअल के. मेरा प्रकृति विल बी डिफरेंट फ्रॉम योर, इवन दो
अब आम वातपित है, मैं भी वातपित हूँ, फिर भी हमारा बैलेंस अलग अलग होता है। सो वो बैलेंस एक ही नहीं, वो हमको कैसे पता चलेगा कि हमारा डिसीज, हमारा कोई बीमारी, लॉन्ग टर्म बीमारी के ऑब्जर्व देखने से हमको पता चलेगा कि या दैट इज नॉट इन अ बैलेंस्ड स्टेट। तो बैलेंस करने के लिए हम प्रॉपर मतलब उसके हिसाब से डाइट देखना है, उसके हिसाब से लाइफस्टाइल मेंटेन करना है, उसके हिसाब से कुछ हर्ब्स वगैरह लेना है, ठीक है। देन हाउ कैन वी जज विच दोषा वी हैव? तो देर इज लाइक देर क्या है, लाइक क्वेश्चन सेशन, लाइक हमारा भी है, लाइक आप हमारा वेबसाइट देखने से पता चला कि काफी क्वेश्चंस है, मतलब आपका डाइजेशन कैसे है, मतलब आप खाने से तुरंत मतलब आपको भूख भूख सही लगता है, आपका नींद पूरी होता है, आपका प्यास लगता है, आपका स्टेचर मतलब बॉडी में फेस कैसा है, हेयर कैसा है, नाखून कैसा है, आपका टंग कैसे है, वो सब काफी सारे चीज हम ऑब्जर्व करता है, ये ऑब्जर्व करके हम बोल सकते हैं लाइक हाँ इतना कफ प्रोडोमिनेंट है, वात प्रोडोमिनेंट, फिर हमको पता चले कि ओके ये वात ज्यादा है, इस आपका बॉडी में वात ज्यादा है, इसका बॉडी में कफ ज्यादा है। तो हम देर से अराउंड मोर देन 20-30 क्वेश्चंस है, मतलब नेल कलर क्या है, आईज का कलर क्या है, आपका लाइक आपका गैस्ट्रिक डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा है, और आपका मेमोरी मेमोरी कैसा है, आपका बॉडी इम्यूनिटी कैसा है, आप कोई फ्रेंड्स का मतलब नंबर ऑफ फ्रेंड्स या आपका रिलेशनशिप क्या है, ऐसे काफी सारे चीज है। सो ये काफी सारे चीज एनालाइज करके ही हमको बोल सकते हैं कि आप ऐसे आपका दोष ये है करके। देन गैस एंड ब्लॉटिंग ऑफ विच दोषा शेयर रिलेटेड विद डायबिटीज? यस यस, त्रिदोषा इज रिलेटेड विथ डायबिटीज ऑल्सो। देन किसी ने पूछा कि इस त्रिदोषा रिलेटेड विथ डायबिटीज? खाली डायबिटीज नहीं, ऑल द डिसीज, आयुर्वेद में डायबिटीज को मधुमेह या प्रमेह बोलता है। सो ऑल द डिसीज, ऑल द डिसीज आर त्रिदोष, मतलब मॉडर्न इज डिफरेंट, डिफरेंट इन द सेंस उन्होंने एक नाम दे दिया, डायबिटीज एक नाम दे दिया, नहीं तो आर्थराइटिस एक नाम दे दिया। सो वैसे आयुर्वेद में एक हर एक डिसीज को नाम दिया हुआ है, आमवाद है, देन वातरक्त है, मधुमेह है, अजीर्ण है। सो वैसे मधुमेह या प्रमेह मतलब डायबिटीज को हम बोल सकते हैं प्रमेह या मधुमेह। देर आर टाइप्स ऑफ देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मधुमेह, फॉर एग्जाम्पल मॉडर्न में टाइप 1 डायबिटीज, टाइप 2 डायबिटीज बोलते हैं, वैसे आयुर्वेद में देर इज अ क्लासिफिकेशन फॉर डायबिटीज, मतलब प्रमेह का अलग अलग क्लासिफिकेशन है, मतलब वातिक प्रमेह, पैतिक प्रमेह, कफज प्रमेह, यस। सो देर इज रिलेशनशिप विथ फॉर दोषा एंड डायबिटीज, नॉट ओनली डायबिटीज, फॉर ऑल डिजीज। फॉर एग्जाम्पल रूमेटॉइड आर्थराइटिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस में वाता एंड कफा बड़ा हुआ है, तो कफा प्रमेह में मतलब डायबिटीज में कफ ज्यादा होता है, बट इट्स ए त्रिदोष कंडीशन, मतलब वाता पित्त कफा इम्बैलेंस में होता है डायबिटीज में। नेक्स्ट एसिडिटी, एसिडिटी में पित्त हाई होता है, मतलब पूरा डिसीज में, फॉर एग्जाम्पल ब्रेन का डिसीज, हम एक एक डिसीज लेने से पूरा डिसीज में वात पित्त और कफ संबंधित है, मतलब उसका इम्बैलेंस ही ये व्याधियां होते हैं। ओके देन दूसरा एक क्वेश्चन है, कैन वी बैलेंस द त्रिदोष इन द फास्ट लाइफ बिकॉज वी आर वर्किंग सिंस मॉर्निंग टिल नाइट? ये फास्ट लाइफ हमने चूज किया, मतलब ये फास्ट लाइफ हमने चूज किया, इसका मतलब ये कि हम आगे बढ़ रहे हैं, मतलब उसके हिस्सा वो हम हमारा आयुर्वेद में ऐसे चीज है कि आयुर्वेद का आप एक किसी बुक या आयुर्वेद का कोई भी बुक आप पढ़ने से आपको आइडिया मिल जाएगा कि फर्स्ट इसमें सूत्र स्थान मतलब दिनचर्या वगैरह बोलते हैं, मतलब
हाउ टू लिव, मतलब हम दिन में क्या करना है, हमारा मौसम के हिसाब से क्या करना है क्या नहीं करना है, दिन में क्या करना है क्या नहीं करना है, रात में क्या करना है रात में क्या नहीं करना है, मतलब हाउ टू लिव, क्या कैसे लाइफस्टाइल हम फॉलो करना है, रात में कैसे सोना है, मतलब राइट फ्रॉम वेकिंग अप, मतलब सुबह उठना है फिर ब्रशिंग करने से पूरा दिनचर्या ऋतुचर्या, हम क्या क्या फॉर एयर मतलब अर्जस खांसी आने से नहीं रोकना, ऐसे काफी सारे चीजें आयुर्वेद में बोल रखा है, मतलब वो हमारा लाइफ के बारे में, मतलब क्या करना है इस किसी डिजीज का चिकित्सा वो एकदम लास्ट आता है, क्योंकि हम ये नहीं फॉलो करने से ही ये डिजीज आता है, मतलब आप फास्ट मूविंग लाइफ में है तो उसका कंट्रोल हम खुद करना है, ऐसे नहीं मतलब फास्ट मूविंग लाइफ में हम ये कुछ भी नहीं कर सकते तो दैट विल एंड डेफिनेटली इनटू एनी डिजीज एनी लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स, दैट इज व्हाई इसलिए आजकल लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स ज्यादा हो रहे हैं, लाइक ओबेसिटी हाइपरटेंशन हार्ट कंडीशंस या लाइक आईबीएस, मतलब टाइम के हिसाब से नहीं खा रहे इसलिए आईबीएस जैसा दिक्कत होता है, हमारा वो फास्ट मूविंग मतलब बात को बढ़ता है तो उससे काफी सारे प्रॉब्लम आ जाते हैं, तो हम थोड़ा स्लो डाउन करना है, स्लो डाउन करना ही हमारा हेल्थ के लिए अच्छा है, नहीं तो फास्ट मूविंग में भी हम वात को वात पित्त कफ को बैलेंस करके फास्ट मूविंग करना है, फिर भी आयुर्वेद फास्ट मूविंग के लिए लाइक रिकमेंड नहीं कर रहे, एज पर आयुर्वेद वी शुड हैव अ स्लो एंड कामफुल लाइफ। कैन बैलेंसिंग त्रिदोषा गेट रिड ऑफ डायबिटीज और अदर, कैन बैलेंस इन द बिगिनिंग स्टेज, यस इन द बिगिनिंग स्टेज हम डायबिटीज को भी क्योर कर सकते हैं, मतलब प्रमेह चिकित्सा है, we can reduce sugar level वगैरह कम कर सकते हैं, gas and bloating is of which dosha, usually वो like वात के वात दोष से होता है, वात का imbalance स्टेज में बोल सकते हैं, is there any food which control imbalance of त्रिदोषा, like imbalance of त्रिदोषा means normalcy के लिए अच्छा है, हम छाछ ले सकते हैं घी ले सकता है और मतलब ऐसे बोल सकते हैं कि प्रॉपर दूध भी अच्छा है लाइक, बट अनदर थिंग इज लाइक आपको प्रकृति के हिसाब से ये गड़बड़ हो सकता है, मतलब जो अभी मैंने बोला वो छाछ इट इज गुड फॉर ऑल द थ्री दोषस वात पित्त एंड कफा, देन दूध भी वात पित्त कफ के लिए अच्छा है, बट जो जिसमें जिनको कफ ज्यादा है उसको दूध अच्छा नहीं, बिकॉज थोड़ा सा फैट कंटेंट बढ़ने का चांसेस है, फैट कंटेंट इज मोर, तो इसलिए आप दूध उस समय तक ज्यादा नहीं लेना है, दही भी सेम लाइक ज्यादा नहीं ले सकते क्योंकि फैट बढ़ने का चांसेस है, और छाछ तो वी कैन से लाइक अ नॉर्मल फूड विच डजंट कॉज एनी त्रिदोष इम्बैलेंस, तो मेनली टेक योर फूड प्रॉपरली लाइक सावधान मतलब आराम से खा लीजिए, देन ड्रिंक प्रॉपर सफिशियंट क्वांटिटी ऑफ वाटर, डू एक्सरसाइज, हैव प्रॉपर स्लीप, ये सब करने से यू विल हैव अ बैलेंस्ड स्टेट ऑफ द दोषा, एंड फिजिकली साइकोलॉजिकली भी ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है, ज़्यादा गुस्सा नहीं करना है, ज़्यादा इनएक्टिव नहीं होना है, सो वो सब करने से मेंटली भी यू विल बी लाइक अ नॉर्मल बैलेंस्ड स्टेट, सो दिस physical and psychological mental is considered as swasthya or health condition, so usse hum we can stay in a balanced state of dosha, okay, yeah, thank you Mahendra ji, so jo abhi maine jo bola uska continuation jaisa hi hai prakriti matlab ayurveda matlab ek ek prakriti ya tasir ya body constituents aise bol sakte hain, तो इसके बारे हमारा अगले हफ्ते का वेबिनार है, सो यू विल गेट मोर आइडिया अबाउट, अभी तो मैंने क्या वात क्या है पित्त क्या है, वात जनरली बॉडी में क्या क्या करते हैं, पित्त जनरली बॉडी में क्या क्या करते हैं, व्हाट आर द फंक्शन मेनली, आप काफी लोगों के लाइक वात मतलब क्या है, मतलब काफी एक जनरल आइडिया होता है वात मतलब ये गैस खाली वही होता है, नहीं तो किसी को ज्वाइंट पेन है तो वो वात है नहीं, तो देयर इज अ वाइड स्पेक्ट्रम, मैंने आज आपको वो इन्फॉर्मेशन किया वात मतलब इट्स अ
इट हैज अ लॉट ऑफ फंक्शंस टू डू इन अवर बॉडी. कफ मतलब कफ के लिए काफी सारे चीज है, पित्त के लिए. तो नेक्स्ट क्लास देन वेयर वील डील विद द प्रकृति, वात प्रकृति, डिफरेंट प्रकृति. मतलब एक बॉडी को क्या है, मतलब प्रकृति क्या है, उसके हिसाब से क्या खाना है, उसके हिसाब से क्या नहीं खाना है, या एक्टिविटीज क्या करना है नहीं करना है. तो वी विल यू कैन सी मोर ऑन द प्रकृति क्लास और इन अवर कमिंग वेबिनार. सो वेबिनार मतलब वर्ष ऋतु रेनी सीजन के लिए भी हम एक वेबिनार प्लान कर रहे हैं. सो आपको किसी डाउट है तो वापस हमें मेल कर सकते हैं, info@learnayurveda. आपका कुछ भी डाउट अभी पूरा नहीं किया या और भी आप वापस सोचने से कुछ आया तो कुछ भी हो, यू कैन मेल अस. हमारा मेल आईडी पे आपका प्रश्न पूछ सकते हैं, एंड नहीं तो आप अगले बार आने से भी वी कैन डिस्कस. ठीक है, थैंक यू फॉर योर टाइम. कुछ और कुछ है? थैंक यू, ऑल द बेस्ट. कुछ भी डाउट है तो आपको मेल भी कर सकते हैं. ठीक है, बात पित्त कफ बारे थोड़ा आइडिया मिले होगा आपको, है ना? ओके, थैंक यू फॉर आपका टाइम के लिए. थैंक यू फॉर विजिटिंग. या श्योर, आपको नेक्स्ट सेशन में और जानकारी मिल जाएगा. हमारा चक्रपाणी हेल्प एट जीमेल है, इसमें आपको मेल कर सकते हैं. Thank you, Gayatri ji.